मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पर्यावरण पढ़ेंगे। पर्यावरण में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5, अनीता की मधुमक्खियाँ। तो पार्ट की शुरुआत करने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी है जिसे हम देखते हैं, उसके बाद हम पार्ट की शुरुआत करेंगे। अनीता की मधुमक्खियाँ। यह अनीता है, वो खुश है क्योंकि उसके माता पिता स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। गांव में कई लड़कियां अपना समय माता पिता की मदद करने में ही बिताती हैं और उसे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती हैं, इसलिए हमें अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए कि हम उनकी वजह से अच्छी शिक्षा ले पा रहे हैं। अनीता को स्कूल में कई गतिविधियों के बारे में पता चला। लोग न केवल फसलों की खेती करते हैं, वे पैसे कमाने के लिए गायों, मुर्गियों, मधुमक्खियों, यहाँ तक कि मछलियों को भी पालते हैं। उसने सोचा कि लोग मधुमक्खियों को कैसे रख सकते हैं, मधुमक्खियाँ तो डंक मारती हैं। क्या आपने कभी शहद चखा है? शहद मीठा और पौष्टिक होता है। मधुमक्खियाँ हमें शहद देती हैं और बहुत से लोग आजीविका के लिए मधुमक्खियों को पालते हैं। मधुमक्खियों से हमें मोम मिलता है। होने को तो मधुमक्खियाँ कीड़ों की तरह होती हैं, लेकिन वे बहुत ही मेहनती और आश्चर्यजनक रूप से संगठित होती हैं। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती रहती है। एक रानी मधुमक्खी लंबे समय तक जीवित रहती है, लगभग 2 से 3 साल तक। श्रमिक मधुमक्खी मीन्स की मजदूर मधुमक्खियाँ, ये फूलों का रस एकत्रित करने से लेकर अंडों तक की देखभाल करती हैं, लेकिन वे केवल 5 से 6 सप्ताह तक जीवित रहती हैं। कुछ नर मधुमक्खियाँ भी रहती हैं जो मजदूर मधुमक्खियों की तरह कोई विशिष्ट भूमिका नहीं निभा पाती हैं। मजदूर मधुमक्खियाँ आश्चर्यजनक रूप से संगठित होते हैं। फूलों के रस का स्थान बताने के लिए वे नृत्य करते हैं और फिर वे रस इकट्ठा करने के लिए एक साथ जाते हैं। मजदूर मधुमक्खियों के बिना कोई शहद नहीं होगा, कोई छत्ता नहीं होगा। अनीता और उसके माता पिता ने ग्राम प्रधान से कुछ पैसे उधार लिए और मधुमक्खी पालन के लिए 2 बक्से खरीदे। अनीता को कमाने के लिए एक ज्ञान का उपयोग करते देख के ग्राम प्रधान को बहुत खुशी हुई। शुरू में सिर्फ 5,000 रुपये लगे, कारोबार शुरू करने में सिर्फ 5,000 रुपये लगे। फिर मधुमक्खियों के बारे में सीखना आसान था कि वे एक साथ काम करते हैं, एक साथ निर्माण करते हैं और अनावश्यक रूप से हमला नहीं करते हैं। मतलब वो काम एक साथ करते हैं, अनावश्यक, अगर उनको कोई परेशान नहीं करता है तो वो हमला नहीं करते हैं। कुछ निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। कार्यों को विभाजित किया जाता है, वो क्या करते हैं, कार्यों को विभाजित कर लेते हैं, जिससे प्रत्येक मधुमक्खियों की और कार्यों को विभाजित करने में प्रत्येक मधुमक्खियों की भूमिका होती है। चींटियाँ भी मधुमक्खियाँ की तरह होती हैं और एक साथ काम करती हैं। चींटियाँ मेहनती होती हैं और भविष्य के लिए भोजन जुटाती हैं। चींटियाँ अनाज या फसलें ढोते हुए एक कतार में चलती हैं। वे बहुत अनुशासित होती हैं, वे हमेशा समूह में काम करती हैं। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। मजदूर चींटियाँ हमेशा भोजन की तलाश में रहती हैं और उसे बिल तक ले जाती हैं। पशु अद्भुत हैं, उनके बारे में सीखना न केवल मज़ेदार है बल्कि यह उपयोगी भी है। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में रहती हूँ।
अनीता कुशवाहा कहाँ रहती है? वो मुजफ्फरपुर के बोचहा गांव में रहती है, जो बिहार में है। मैं अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ में गांव में रहती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ छोटे बच्चे को भी पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खियों पालने का भी काम करती हूँ। वो बता रही है कि वह अपने कॉलेज के साथ साथ छोटे बच्चों को भी पढ़ाती है, और वो क्या करती है, मधुमक्खियाँ पालने का काम करती है। यह सब इतना आसान नहीं है। जब मैं छोटी थी तब मुझे बकरियाँ चराने जाना पड़ता था। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर मेरे माता पिता को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। वो छोटी थी तो उसे क्या करना पड़ता था, उसे बकरियाँ चराना पड़ता था। उसका भी स्कूल जाने का मन करता था, लेकिन उसके माता पिता को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। यह एक सच्ची घटना है। स्कूल जाकर पढ़ लिखकर आगे पढ़ने वाली लड़कियों के लिए अनीता कुशवाहा एक आदर्श है। अनीता कुशवाहा जो है वो स्कूल जाकर आगे बढ़ने वाली लड़कियों के लिए एक आदर्श है। बच्चों से भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने को कहो। मतलब बच्चों आपको क्या करना है, भारत के नक्शे में बिहार ढूंढना है कि भारत के नक्शे में बिहार कहाँ आया हुआ है। अब हम यहाँ देखते हैं, स्कूल जाना एक सपना। एक दिन मैं स्कूल में पहुँच ही गई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। एक दिन अनीता कुशवाहा स्कूल पहुँच ही गई और वो क्या की, बच्चों की कतार में पीछे जाकर बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर आकर मैंने हिम्मत करके अपने माता पिता से स्कूल के बारे में बात की। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। और अनीता कुशवाहा जो होती है घर आती है और अपने माता पिता से इस बारे में बात करती है, लेकिन उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो मना कर देते हैं। उस दिन मैं बहुत रोई, और जब उसके मम्मी पापा ने मना कर दिया तो वो उस दिन बहुत रोई। हमारे गांव के एक शिक्षक को इस बात का पता चला। उन्होंने मेरे माता पिता को समझाया और उन्होंने अनीता के माता पिता को समझाया। उन्होंने तो यह भी बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई भी खर्चा नहीं होता है। उन्होंने यह भी बताया कि 8वीं कक्षा तक जो पढ़ाई है उस पर कोई खर्चा नहीं होता है। पढ़ना तो प्रत्येक बच्चे का अधिकार है माता पिता मान गए और मेरा स्कूल जाना शुरू हो गया। मैं बहुत तेजस्वी छात्रा नहीं थी, पर हमेशा कुछ ना कुछ सवाल प्रश्न जरूर करती थी। पढ़ाई जारी रही। अनीता कुशवाहा ने पढ़ाई अपनी जारी रखी। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि अब पढ़ने का खर्च बढ़ जाएगा। अब अनीता कुशवाहा जो है वो 5वीं कक्षा तक उन्होंने पास कर लिया। अब उन्हें ये हो गया था कि जो हमारा पढ़ने का खर्च है वो बढ़ जाएगा। मेरे माता पिता मुझे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब उसके माता पिता जो थे उसको पढ़ाने के लिए तैयार ना थे, पर मुझे तो पढ़ना था। पर उसे क्या करना था, उसे तो पढ़ना था। मैंने हल ढूंढ लिया और उसने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए हल ढूंढ लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे रुपए मिलने लगे और मेरी पढ़ाई जारी रही। उसने क्या किया, अपनों से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और उससे उसको पैसे मिलने लगे। आइए बात करें, प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। 8वीं कक्षा तक तो मुफ्त में पढ़ाया जा सकता है। धीरे धीरे मैंने अन्य लोगों को समझाना शुरू किया कि वे सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। मेरे माता पिता ने भी मुझे मदद करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया और सभी लोगों को धीरे धीरे समझाना शुरू किया कि लड़कियों को स्कूल भेजें, और अनीता कुशवाहा के जो माता पिता थे उन्होंने भी उनकी मदद करना शुरू कर दिया। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी, जिससे मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल सके। और घर का सारा काम जो होता था वो उनकी मम्मी ही कर लेती थी, जिससे क्या होता था, क्या बोलते हैं कि उसे पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिले।
मधुमक्खी पालन। हमारे इलाके में बहुत से लीची के पेड़ हैं। इस वृक्ष के फूल मधुमक्खियों को बहुत ही लुभाते हैं। अनिता कुशवाहा जहाँ रहती हैं वहाँ पे बहुत से लीची के पेड़ हैं, और जो लीची का पेड़ है इस पे जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को बहुत ही लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालने का काम करते हैं। सरकार द्वारा इसकी तालीम भी दी जाती है। मैंने उस तालीम में भाग लिया। तालीम में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खियों के पालन का सबसे अच्छा समय यही होता है। ये बच्चों चित्र, ये मधुमक्खी का चित्र है, ठीक है। ये जो मधुमक्खी है ये फूलों का रस जो है वो ले रही हैं। अब हम यहाँ देखते हैं मधुमक्खी पालन के रूप में, मतलब मधुमक्खी पालन के रूप में, ठीक है। मैंने अपना मधुमक्खी पालन का कोर्स पूरा कर लिया, और अनिता कुशवाहा जो है वो मधुमक्खी पालन का कोर्स क्या करती है, पूरा कर लेती है। परंतु काम शुरू करने के लिए रुपए की ज़रूरत थी। मैंने बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये इकट्ठे किए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे बच्चों को पढ़ाया, अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाया, और उससे उनके पास पैसे आए। उन्होंने 5,000 रुपये इकट्ठे किए, और उससे उन्होंने क्या किया, मधुमक्खी पालन मतलब मधुमक्खी को पालने के लिए 2 बक्से खरीदे। 1 बक्से की कीमत 2,000 रुपये थी। बाकी बचे रुपयों से मधुमक्खियों के लिए चाशनी तैयार करने हेतु चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। मैं रोज साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किमी दूर शहर में है। अब तो आप भी अनिता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अनिता को पास के गांव में भी सभी लोग पहचानने लगे। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और प्रत्येक को पढ़ाई का महत्व समझाती है। अब अनिता कुशवाहा जो है वो मतलब गांव में उनको सभी लोग जानने लगे थे। वो गांव की सभी बैठकों में जाती थी और सभी को पढ़ाई का महत्व समझाती थी। कभी कभी कुछ लोग उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनिता को पता है कि उसे क्या करना है। अनिता शहद की बहुत बड़ी व्यापारी बनना चाहती है, जिससे वह लोगों को शहद की पूरी कीमत दिला सके। अनिता जो है शहद की बहुत बड़ी व्यापारी बनना चाहती है, जिससे वह लोगों को क्या करे, शहद की पूरी कीमत चुका सके। अनिता और मधुमक्खियाँ, वे फूलों के आसपास मंडराती हैं। वे शहद के लिए फूलों से रस एकत्रित करती हैं। अब किसी एक मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक खास तरह से नाचने लगती है। किसी एक मधुमक्खी को रस जब मिल जाता है तो वह कुछ खास तरह से क्या करती है, नृत्य करने लगती है। उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि यहाँ रस है, और जिससे जो दूसरी मधुमक्खियाँ होती हैं उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे रस है। कामदार मधुमक्खियाँ मीन्स कि हम जो मजदूर मधुमक्खियाँ, श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन मक्खियों के बगैर छत्ते या शहद का संग्रह संभव नहीं है। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं और काम करती हैं। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और कामदार चींटियाँ भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती हैं। दीमक और तते भी इसी तरह समूह में रहते हैं। जिस तरह मधुमक्खियां समूह में रहती हैं, चींटियां भी समूह में रहती हैं, उसी प्रकार दीमक और तते ये भी समूह में रहते हैं। धन्यवाद।